हमने लगभग कैटालिसिस वाला टॉपिक कर लिया है आज हम बायो कैटालिस्ट देखेंगे छोटा सा टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद कोलाइड पे आ जाएंगे जय उत्पेरक ज्यादा क्या होते हैं एंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जय मतलब यहाँ पे क्या है लिविंग से जीवित चीजों से जिनमें जीवन है जिनमें लाइफ है वही सब क्या है जैव जय मतलब सीधा सीधा जीव ठीक है इनमें जीवन है प्राण है जीव है जो जीव है सब जैव है मतलब जितनी सजीव चीजें वो सब क्या है जैव तो उनके अंदर जो कहते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जैसे कि पाचन में भी बहुत सारी रिएक्शन होते हैं चाहे श्वसन हो चाहे पाचन हो सब में रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पर भी रिएक्शन को फास्ट करना होगा तो वहाँ भी कैटालिस्ट का यूज होगा तो वहाँ पे कैटालिस्ट की भूमिका कौन निभाते हैं एंजाइम निभाते हैं समझ आई है बात इसलिए एंजाइम को क्या बोल देते हैं जैव उत्प्रेरक बोल देते हैं एंजाइम एक तरह क्या होते हैं जैव उत्प्रेरक, अर्थात जीवों में पाए जाने वाले उत्पीड़क पदार्थ जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं उनकी दर उनकी रेट को बढ़ाने का काम करते हैं तो जीवित को एंजाइम बनते कहाँ हैं जीवित कोशिकाओं में ही बनते जो हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में बनते कोशिकाओं में निर्मित होते हैं नाइट्रोजन युक्त होते हैं नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजनी इसीलिए इनको बोल लेते हैं नाइट्रोजनी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ वैसे प्रोटीन होते मोस्टली क्या सबके सब एंजाइम लगभग प्रोटीन ही होते हैं अपवाद को छोड़कर अपवाद तो होते ही कुछ ना कुछ सभी प्रोटीन सभी एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते ठीक है तो ये भी बायो केम होता है ना एक तरह से जैव अणु होता है एंजाइम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ये भी जैव अणु प्रोटीन है विटामिन है ये सब जैव अणु, डी एन ए है आर एन ए है ये सब जैव अणु, तो इसी तरह एंजाइम ठीक है नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले होते हैं इनका जो मोलर मास होता है काफ़ी हाई होता है काफ़ी उच्च अड़भार वाले ऐसे भी उच्च अड़भाड़ वाले प्रोटीन अणु होते ठीक है या कहाँ बनते हैं जीवित कोशिकाओं में बनते कहाँ बनते हैं जीवित कोशिकाओं में बनते हैं तो जो सेल मेंब्रेन होती हैं मोस्टली सेल का जो भाग होता है वो प्रोटीन से बनता है तो ये एंजाइम में क्या होते हैं प्रोटीन ही होते हैं अच्छा याद रखना इसके एग्जाम्पल क्या है जैसे हमारी सेलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है कौन से एंजाइम टाइलिन सेइवा जो हमारी लार होती है ठीक उनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन क्या काम करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलता है स्टार्च होगा और यहां पे क्या होगा टाइलिन होगा काहे में बदलेगा माल्टोज में बदलेगा स्टार्च को अर्थात ये थोड़ा क्या होता है ये जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या होता mm. है सिंपल कंपाउंड होता है हमारे जटिल पदार्थों को सारे पदार्थों में बदलना ही क्या होता है पाचन कहलाता है कॉम्प्लेक्स का ट्रोल सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट होना ही क्या है यही तो है डाइजेशन यही तो है पाचन तो इसी तो ये कहाँ से ये ये कहाँ पाया जाए लार में पाया जाता है अब लार कहाँ पाई जाती है मुँह में पाई जाती है तो इसी तो बोलते हैं पाचन कहाँ शुरू हो जाता है मुँह से शुरू हो जाता है क्योंकि ये काम मुँह से ही शुरू हो जाता है ठीक है समझ गए तुम तो इन्हों को टाइलिंग की उपस्थिति में ही ये काम हो पाता है आसानी से टाइलिन ना होता तो ये काम मुश्किल होता है ठीक है इसलिए तो जब एंजाइम गड़बड़ा जाते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हो जाता है गड़बड़ हो जाता है ठीक है वैसे ये टॉपिक पर केमिस्ट्री में क्यों घुसा पड़ा है क्योंकि ये उत्पीड़क से संबंधित है इसलिए केमिस्ट्री से संबंधित इसलिए आ गया है ठीक और जैसे ग्लूक सुक्रोज होता है सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में कौन इनवर्टेज एंजाइम इनवर्टेज एंजाइम ये सब क्वेश्चन आते हैं इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को में बदल देता है ग्लूकोज में वैसे इसका नहीं तो तु, ऐसे तुम क्या पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में मिल चुकी है रिएक्शन केमिकल में ना अब घटन कर देते हम क्या कर देते हैं? जल घटन कर देते जल के साथ रिएक्शन करा देते थे, थे एसेटिक मीडियम में तो भी ये रिएक्शन हो जाती है और कौन से एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज होता है ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है एथी अल्कोहल में बदल जाता है सीसी सेटोल ग्लूकोज है ग्लूकोज किसमें जाइमेज की उपस्थिति में एधी अल्कोहल में बदल जाता है ये सब बायो केमिकल रिएक्शन से क्या है एग्जाम्पल है यहाँ पे सी ओ टू भी बनता है ये सब सारी के सारी बा, बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक है जब मसल्स में क्या हो जाती है ऑक्सीजन क्या हो जाती है अनुपस्थिति हो जाती है तो इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता तो किस में बदल जाता है एधी अल्कोहल में बदल जाता है अनाक्सी श्वसन में तुम पढ़े थे अनॉक्सी श्सन में बनते है जिसमें ऑक्सीजन की प्रज ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती इसमें भी थोड़ी एनर्जी निकल बनती है इसमें भी क्या बनती है एनर्जी बनती है और एथी अल्कोहल बनने की वजह से ही क्या थकान महसूस होती है मसल्स में क्या हो, दर होता है दर्द महसूस होता है ये सब तुम पढ़िए हो ठीक है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे कि माल्टोस को ग्लूकोज में चेंज करता है कौन एंजाइम माल्टेस एंजाइम कौन से एंजाइम माल्टेस जो नाम से संबंधित होते हैं तो उन समझ जाना हो इसी पर ही काम करेगा अच्छा वो माल्टोस सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति है, ठीक है किसमें बदल जाता है ग्लूकोज में किसमें बदलता है ग्लूकोज में ये ग्लूकोज में बदल जाता है ये सारी के सभी क्या यूज हो रहा है एंजाइम के यूज हो रहा है किस रूप में कैटालिस्ट के रूप में यूज हो रहा है उत्पेरा के रूप में ठीक स्टार्च को स्टार को माल्टोज में बदलता है कौन सा एंजाइम? डाई स्टेज वो भी है एक ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम बहुत सारी प्रोसेस बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हजारों तरह केमिकल रिएक्शन तो सब तो हम नहीं आते कर सकते ठीक अब आगे बढ़ते तुम्हें रोल समझ में आया कि एंजाइम उत्पेड़क रूप में कैसे यूज होते हैं इसी तरह यूज होते हैं एंजाइम क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं प्रोटीन ही होते हैं कहाँ पे बनते हैं जीवित कोशिकाओं में बनते हैं ठीक ज़्यादातर ये पूछा था, था हारमोन एंजाइम में अंतर बता दो हारमोन भी क्या होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं लेकिन हारमोन एफसल उनके लिए ग्लैंड होते हैं ना उनके लिए एसल एस ग्लैंड होते हैं इनके लिए कोई एसल एस ग्लैंड नहीं होते एंजैम के लिए सबसे बड़ा अंतर वो एक फिक्स टारगेट पे जाके काम करते हैं हार्मोन, लेकिन एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन्स में यूज होते हैं ठीक है उन्हीं में काम करते हैं ये बेसिक से अंतर है अब आ जाते हैं एंजाइम और के सामान्य लक्षण लक्षण मतलब करेक्ट जो एंजाइम उत्पेड़क होते हैं जो इनऑर्गेनिक उत्पेरक होते हैं इनऑर्गेनिक उत्पेड़क जैसे प्लेटेनियम है निकिल है कापर है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है इन्हीं की तरह काम करते हैं एंजाइम उत्पेड़क जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी तरह ही काम करते पहला लक्षण ये हो गया ठीक ये मोस्टली किसमें यूज होते हैं जैसे कि जल अपघटन है किसमें यूज होते हैं जल अपघटन में ठीक है जल अवघटन है ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है ठीक है हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में कोई भी अवघटना अभिक्रिया होगी अच्छा जिसमें टूटने वाला काम होता है ठीक है जिसमें कोई रिएक्टेंट का होगा टूटेगा किसी अन्य चीज़ों का तो उनमें ये ज़्यादातर क्या होते हैं यूज होते हैं अच्छे इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं जाए ठीक दूसरा पॉइंट यह विशिष्ट होते हैं या किसी भी अभिक्रिया के लिए क्या होते, है? होते हैं विशिष्ट होते हैं यानी कि इनकी स्पेसिफिक क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं विशिष्ट होते हैं एंजाइम बहुत ही विशिष्ट होते हैं अर्थात एक एंजाइम जैसे कि टाइलिन एंजाइम स्टार्च को बदलता था ऐसा नहीं किसी दूसरे पर भी सुक्रोज को किसी दूसरे को बदलेगा बात समझ में आ रही वो उसी पर काम करेगा हमेशा वो उसी के लिए हसल है ठीक है तो कोई एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा कोई कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करेगा कोई फैट के पाचन में सहायता करेगा तो सब ऐसे ही होता है ठीक है ऐसा नहीं खाड़ेंगे हम हर जगह लग जाए इसलिए क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं विशिष्ट होते हैं ठीक है यानी कि एक ही एंजाइम कई अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते हैं तो इनके लक्षण लगभग उनसे मिलेंगे जब हम तुमको कैटालिस्ट के जनरल कैरेक्टिस पढ़ाए थे तो ये भी उत्प्रेरक हो वो भी उत्पीड़क ही थे तो इनके लक्षण उससे क्या होंगे मैच खाएंगे बहुत सारे के सारे लगभग ठीक है तो इनकी भी सक्रियता जो एक्टिविटी है इनकी भी एक निश्चितता पर क्या होती है अच्छी होती है बहुत कम ताप पर क्या होते हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं बहुत अधिक ताप पर भी ये निष्क्रिय हो जाते हैं ठीक है बात समझ में एक्टिव नहीं है रहते हैं महीने के मतलब तो एक निश्चित ताप अर्थ हर रूम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं ऑप्टीयम टेम्परेचर जो होता है अनुकूलतम ताप उस पर ही ये भी अच्छे कार्य करते हैं वो भी जब थे वो भी अच्छे अनुकूलतम ताप पर ही अच्छा काम करते हैं अनुकूलतम ताप मतलब पच्चीस से सैंतीस पैंतीस सैंतीस तक का ताप इसी टेम्परेचर पर ये भी अच्छे काम करते हैं ये भी याद रखना एक निश्चित उत्पीड़क पर अच्छा काम करते हैं जिसे क्या बोलते हैं अनुकूलतम तप अनुकूलतम तप का मान कितना होता है पच्चीस से सैंतीस या पैंतीस सब बुक में अलग अलग रहता है अच्छा सैंतीस तक माना जाता है बॉडी टेम्परेचर तक अनुकूलतम तप है बात समझ में आई इसलिए मान मानो का टेम्परेचर कितना होता है सैंतीस डिग्री से इस पर काम करते हैं अच्छे अच्छे एंजाइम इस पर काम करते हैं ठीक है तो ये सारे लक्षण जो हैं सबके के सारे वहीं पर मिल रहे हैं एंजाइम उत्पीड़ित अभिक्रियाओं की दर विलियन की पी पर डिपेंड करती है पी पर डिपेंड करती है पी कम ज़्यादा होने पर पी कर... वैसे भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैलेंस करने के लिए चीज़ें होती हैं अगर स्टमक में एस आता है तो एस को बैलेंस करने के लिए भी चीज़ें हैं वहाँ पे ठीक है इसलिए अगर एसिडिटी होती हो जाती तो खाना पचाने में दिक्कत होती तो हम कोई भी बेस लेते हैं ठीक वगैरह तो आराम हो जाता है ठीक है एसिडिटी खत्म हो जाती है ठीक तो पीएच घटने बढ़ने से भी एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है प्रभावित होती है में, तो किस ताप किस पीएच पर अच्छा कार्य करते हैं एंजाइम पाँच से सात के बीच पाँच से सात बीच का पीएच जो होता है इनके लिए अनुकूलतम होता है अच्छा इस पर ये क्या होते हैं एंजाइम अच्छा कार्य करते हैं तो क्वेश्चन यहाँ इसी तरह तो क्वेश्चन बनते हैं ठीक है किस तरह पर एंजाइम अच्छा कार्य करते हैं तो पाँच से सात पी के बीच एंजाइम अच्छा कार्य करते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखें ठीक है तो अधिक अधिक या कम ज़्यादा होगा तो एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये चीज़ याद रखना अगला पॉइंट अगला पॉइंट समावता समावता पर एंजाइम उत्पीड़क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है समावता इक्विलिब्रियम का एंजाइम उत्पीड़क का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ठीक जो है जो को एंजाइम होते हैं को एंजाम क्या होते हैं जो एंजाइम के लिए प्रोमोटर का काम करते हैं बात समझ में आई जो एंजाइम के लिए प्रोमोटर वर्धक का काम करते हैं अर्थात एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वो को होते हैं क्या को एंजाइम जो को एंजाम होते हैं कुछ धातु आयन भी हो सकते हैं जैसे सोडियम आयन कोबाल्ट आयन कापर का आयन मैग नीच का आयन ये सारे आयन जो होते हैं किसका काम करते हैं जो मेटल आयन होते हैं वो किसका काम करते हैं कोई एंजाइम बेकार करते हैं ये चीज आपको ध्यान में रखनी ठीक कुछ इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं जैसे एच सी एन एच टू एस सी सी एच एच सी एन ठीक है ये सारे पदार्थ एच सी एन में यहाँ पर होगा गए एच टू एस को ये सारे क्या होते हैं बीस का काम करते हैं पॉइजनस का काम करते हैं अर्थात इनकी उपस्थिति में क्या होती है एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाते हैं क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कचार ऑप्शन देगा पूछ लेगा इनमें से कौन सा एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देता है घटा देता है पूछेगा एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन सा घटा देता है तो इनमें से तीनों में से कोई रहेगा अच्छा तो मोस्टली यही होते हैं होने के तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं ठीक ठीक है कुछ धातु आयन भी जैसे कि ए जी है एच जी है कुछ धातु आयन अभी थे तो जो प्रमोटर काम कर रहे थे लेकिन ये वाले धातु आयन जो होते हैं इनर्ट मेटल वाले ये क्या होते हैं ये भी एंजाइम उत्पेद क्रियाशीलता को क्या करते हैं घटाते हैं ये भी एंजाइम उत्पेद क्रियाशीलता को क्या करते हैं घटा देते हैं याद रखें अगला जो अल्ट्रा वाले पारा वैज्ञानिक होती हैं अल्ट्रा वाले रेज होते हैं उनके द्वारा परावैज्ञिक किरणों द्वारा एंजाम क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उनकी जो एक्टिविटी होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है एंजाइम की नष्ट हो जाती है खत्म हो जाती है ये चीज़ आपको रखना किन किरणों के द्वारा एंजाइम उत्पेड़कों की कैट क्रिया नष्ट हो जाती है तो अल्टा वाले रेज द्वारा अच्छा याद रखना तो परावैज्निक किरणों द्वारा उन एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है नष्ट हो जाती है कई अपक्रियाओं में अपक्रिया का वेग एंजाइम उत्पेद की शानता पर निर्भर करता है कई में अर्थात अधिक एंजाइम होगा तो अधिक फास्ट रिएक्शन होगी कम एंजाइम होगा तो कम फास्ट होगी मतलब उसके कंसल्टेशन पर डिपेंड करता है लेकिन सब में ऐसा नहीं होता ये टॉपिक हो गया खत्म एक छोटा सा टॉपिक और है एंजाइम उत्पीड़न के क्रियाविद एंजाइम काम कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए मैकनिजम की लास्ट मॉडल है वैसे तो तुम शायद ग्यारह में भी पढ़े हो लेकिन बायो मिलता केमिस्ट्री में मिलता जाएंगे तो एंजाइम उत्पीड़न की क्रिया क्रियाविद एंजाइम उत्पीड़न भी को मैकेनिज्म होता है यहां अच्छा तो इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या है की लाख मॉडल कौन सा मॉडल लाख मॉडल ताला चाबी परिकल्पना कौन सी ताला चाबी कमिस्ट्री में ताला चाबी क्या काम पर काम है यहाँ ताला चाबी की परिकल्पना अर्थात ये कल्पना है बस ठीक है ऐसा कुछ देखा नहीं मतलब वो ऐसा सोचा गया कि हाँ ऐसे ही काम करते हैं ठीक है लेकिन साइंस में कल्पना ऐसी होनी चाहिए जो वैज्ञानिक तथ्यों पर क्या उतरे खरी उतरे वैज्ञानिक सोच पर क्या हो फैक्टों पर क्या हो सही उतरे तभी मानी जाती है अच्छा ऐसे नहीं कुछ भी सोच के बता दो ठीक है जो एंजाइम उत्पीड़ित प्रक्रियाएँ होती हैं यहाँ पर हेट्रोजीनस होते हैं हेट्रोजिनस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होते अच्छा ये सभी क्या होते हैं विषमांगी उत्पीड़न का एग्जाम्पल है समझा चुके हैं तो लगभग उसी के जैसे मिलेगी है। तो लगभग क्या मिलेगी उसी के जैसे मिलेगी ठीक है जैसे यहां पे कोई एंजाइम होगा एंजाइम ये, ये एक अधिकारक अड़ होगा सफेक्स होगा अच्छा ये क्या है यहाँ पे एंजाइम ई क्या है एंजाइम ये क्या है अभिकारक क्रियाधार भी बोल देते हैं इसको अभिकारक या क्रियाधार ठीक ये दोनों मिलेंगे ई एस बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे माध्यमिक संकर यौगिक ये क्या बनेगा इंटरमीडिएट कुल मिला के इंटरमीडिएट वहां पे पढ़ रहे थे हम कल पढ़ रहे थे ये चीजें बीच में जब मिलता था क्या बनता है इंटरमीडिएट बनता तो ये भी एक तरह के इंटरमीडिएट बनेगे यहाँ से फिर ये क्या होगा ये अलग हो जाएगा एंजाइम अलग हो जाएगा और यस मान के चलो ये ये यस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा उत्पाद बना लेगा ठीक एंजाइम अलग हो गया मतलब जैसा एंजाइम लगा था वैसा ही हमको क्या हो गया बाद में मिल गया ये क्या बना है जटिल कॉम्प्लेक्स योगिक बना यहाँ पर या माध्यमिक यौगिक कह सकते हो कुछ भी बोलो तो ठीक है ऐसा अब ये समझ गया तो उसको समझना आसान होगा तो कुछ नहीं होता एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम यहाँ पर की की तरह काम करती है अच्छा और ये ताला जो है यहाँ पे एस अभिकारा की तरह काम करता है अब जैसे ऐसे कर सकते हैं ये हमारा एंजाइम है ये क्या है एंजाइम है ये क्या, क्या है हमारा है एंजाइम यहाँ पर यह क्या है एंजाइम एंजाइम किसका रोल अदा कर रहा है कुंजी का की का कुंजी मतलब चाबी, कुंजी का ठीक है प्लस जो सफ्टैग है हमारा जो क्रियाधार है जिस पर क्रिया होगी वो क्या होगा क्रियाधार सफ्टैग जो हमारा होगा क्रियाधार वो ताले का, का काम करेगा अच्छा ताला मान लो ये ये ऐसा है ठीक ठीक ये क्या है यहां पे ये ताला है ठीक है अब उसी तरह इसकी बनावट उसी तरह होती है कि एक जो इस जैसे मान लो इसकी बनावट इस तरह है इसकी बनावट किस तरह है इस तरह है क्रियाधार जो हमारा साफ टैक है इसकी इसकी बनावट क्या है इस तरह है तो इसमें हर चीज तो फंस नहीं सकती है बात को समझो इसमें हर चीज नहीं फंस सकती है जो इसके कंप्लीमेंट्री होगा जो इसके अनुरूप होगा वही उत्पेड़क वह इसमें फंसेगा वही एंजाइम में फंसेगा तो इसके जैसा जो होगा अर्थात सब एक ही चाबी सब में नहीं लग जाती जो उसके अनुरूप होती है जो उसमें फिट हो सकती वही फिट होती है जाके उसमें बात समझ में आई तो यह चीज़ इसमें जाके फिट हो जाएगी फिट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा ये बन गया इसे बोलेंगे ई एस जो हमारा बीच वाला था संक्रित संकर या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देंगे अच्छा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ई एस बन गया ठीक अब आगे ये एंजाइम क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा आगे ये क्या हो जाएगा एंजाइम अलग हो जाएगा और ये जो हमारा है ये प्रोडक्ट में टूट जाएगा मान लो ये ऐसे टूटा और ये ऐसे टूटा ये क्या बन गया पी प्रोडक्ट बन गया ये उत्पाद बन गया हमारा तो जिस जैसे पहले भी पढ़ रहे थे हम कि एंजाइम जितना यूज हो जितना यूज होगा उतना बन जाएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बासण पर वो उत्पाद क्या होता है बना डालता है उत्पाद क्या करता है बना डालता है समझ आई बात और ई एस यहां पर बनता है ठीक क्या? ई एस क्या है ठीक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है बच्चा अब ये बुक में हर बुक में अलग अलग तरीके से फिगर हो सकता है इसको आपने अगर वो वाली कुंजी देखी है वो वाला ताला देखा है तो उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है एक ताला आता है ताला कैसा होता है ताला ऐसा होता है प्यारे यहाँ पे इसके की लगने का जुगाड़ होता है और यहाँ पे ये यह ऐसे होता है ताला और की कैसी होती है यहाँ पे प्यारी कि माने चलो तुम ऐसे होती है अच्छा की ऐसे होती ठीक है तो ये इसमें जाके नीचे से क्या होती फिट हो जाती घुमा दिया जाता तो ये क्या हो जाता खुल जाता है तो बिल्कुल वैसे ही ये क्या हमारा ये यहाँ पे की ये हमारा लाख तो ये एक तरह का एंजाइम का काम कर रहा है ये किसका काम कर रहा है एंजाइम का काम कर रहा है ये किसका ये किसका ये का काम कर रहा है अच्छा अभिकारक अब ये नीचे से फिट हो जाएगी बिल्कुल उसी तरह जो अभी बता रहे थे फिट हो जाए हर चाबी तो लग नहीं जाएगी इस ताले में जो इसके अनुकूल हो जो इसके कंप्लीमेंट्री होगी तो वही जाके फिट होगी इसलिए एंजाइम सब पर काम नहीं करते हैं उन्हीं पर काम करते हैं जो उनके जो उन पर फिट हो सकते हैं जिनके खाँचे उनसे मैच खाते हैं जिनमें क्योंकि इनमें भी क्या होते हैं हमने पढ़ा था एबजासन थ्योरी मॉडर्न एबासन थ्योरी में एंजाइम पर क्या होते हैं जो पेड़क होते हैं उन पर क्या होते हैं उभार होते हैं खाँचे होते हैं उभार होते हैं खाँचे होते हैं तो जो अभिकारक होते हैं उन पर आके फंस जाते हैं से जाते हैं तो वहां पर रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है वही काम यहाँ पे हो रहा है कुछ अलग नहीं है वही चीजें समझा रहा है ठीक यहां पर क्या होगा ये ताला है यहां पे फिट हो जाएगा चाबी पूरी पूरी क्या हो जाएगी प्यारे अंदर घुस जाएगी अच्छा ये ये ई एस बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया ई e है ये क्या है एस फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा ये अलग हो गया और ये क्या हो गया अलग हो गया ये दोनों क्या हो जाते खुल जाते अभी यहाँ भी बंद थे अब प्रोडक्ट बन गया ये क्या बन गया उत्पाद बन गया और हमारी चाबी क्या हो जाएगी प्यारी बिल्कुल अलग हो जाएगी क्या हो जाएगी बिल्कुल अलग हो जाएगी क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी बस यही काम होता एंजाइम है वो है बहुत तरीकों इस तरह का फिगर मिलता है बुक में जो तरह बना है उस तरह का मिलता है एक तरह का और बनता है जो एन में दिया हुआ तो वो सब इसी तरह यही चीज़ सब समझा रहे हैं बात समझ में आई तो यही होता है कि मॉडल ये चीज़ें समझ में आई तुमको तो, तो एंजाइम वाला टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म ठीक है अब सारी ये चीज़ें हो गई ख़त्म इसके आगे हम कल बढ़ जाएंगे